अली मोहम्मद सच्चे साहब का कलाम मेरे उस्ताद मानवी बाप की एक फरमाइश भी है मेरे यहाँ की, मैं पेश कर रहा हूँ, देखना मेरी तरफ और ये तस्वीर में तो देख सकते हैं ना आप, जिस जिस के दिल में अली है, जिस जिस अंदाज में खैबर में आया अली है ना, कई दिन तक अलम में अलम जाते रहे लोग, वापस आते रहे, आज अलम उसको दूंगा जो करार होगा गैर करार होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखते होंगे, अलम हाथ में आया गाड़ कर दी कलम, गाड़ कर दी कलम, फातह खैबर बोले और कानपुर का एक खास अंदाज है पढ़ने का जो पेश कर रहा हूं, गाड़ कर दी का अलम फाता है खैबर बोले है अली नाम मेरा मां मुझे है क्या लकब सुनना के फातह बदर ओहद खैबर ओ खंदक बोले जाते रहे और एक दिन वो आया जिसे आना था और खैबर फतेह हुआ, लेकिन जिस वक्त आया आवाज गूंजी हाँ ये मुश्किल अभी आसान किए दे सामने लश्कर को देखा को कहते हैं हाँ ये मुश्किल अभी आसान किए देते हैं कि तन पे अच्छा शावान का महीना है भाई, शावान का महीना है और तेरा रजब, फिर तो तेरा रजब है ना, अब तेरा रजब मैं नहीं था लेकिन आज तेरा रजब बनाता हूँ इंशाल्लाह, सुनिएगा पीने के लिए साकी तो सर
न्यूजीलैंड वालों पूरी दुनिया में वीडियो जा रही है, ऐसा ना हो कि यार किन लोगों में गए थे कि पीछे वाले तो कुछ, मैंने कहा नहीं नहीं पीछे वाले भी अपने ही थे भाई, अब मैं किस किस को बताऊंगा पीछे वाले अपने थे, जरा हाथ उठाओ एक बात मुझे बताओ कि अगर जजाक अल्लाह जियो ओ पियो ओ जियो माशाल्लाह हाय हाय महफिल खत्म हुई, महफिल खत्म होने के बाद एक साहब कहने लगे भाई आप मुझे बोल रहे थे हाथ उठाइए, दरअसल हमारे होने वाले दामाद बराबर बैठे हुए थे, भतीजा बैठा हुआ था, हम कैसे हाथ उठाते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, ये मैं था, अगर साहिब असर का जहूर और मौला यहाँ आ जाए तो आप दामाद की परवाह करेंगे? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आपको इमाम हुसैन का वास्ता, मेरे लिए हाथ कभी ना उठाना, ना मेरे पढ़ने को उठाना, जो मैं लफ्ज पढ़ रहा हूँ ये हजरत इमाम हुसैन के लिए, अल्लाह जाने ये जो खाली जगहें होती है क्या पता चौथे इमाम यहाँ बैठे हो, एक दफा घूम के आपकी तरफ देख लिया तो नस्लें बाबराद हो जाती है। तो वो अलग लोग थे जो, अब जब हैदर करार सामने आए ना तो वो एक जुमला गुजार सबकी तरफ देख के, वो अलग लोग थे जो आए मगर लौट गए, वो अलग लोग थे जो आए मगर लौट गए, आए मरहब है कहां अब जरा अंतर करते वाली, क्या खूबसूरत आपने आज मुसद्दस वहां पढ़ दी। आप सुनिए, बा खुदा इसमें नुसैरी की नहीं कोई बा खुदा, मेरे साथ का शेर है, अगर अच्छा ना लगे तो बहरहाल आपकी मर्जी, कि बा खुदा इसमें नुसैरी की नहीं कोई खता के मद है शुरू हो रही है। ये किसके कदम है जो काबे की तरफ बढ़ रहे हैं? कोई पर्दादार मस्तूर है, आलम नूर से नूर की लहर रवाना होने के लिए तैयार है, काबा देख के मुस्करा रहा है, तो देख कर आते हुए मादर हैदर के कदम मुस्कुराती हुई दीवार बढ़ी
پیچھے سن لیجیے کیا یہ خانہ کعبہ. اب جو ہمارے لوگ ہیں ہاں خانہ کعبہ ہے, مگر ایک اور بھی بات ہے ہماری. کیا یہ زچا خانہ فرزند ابو طالب ہے, غلط بات کروں گا, جو بات ہے وہ بات کروں گا. کیا ہے؟ اب میری طرف دیکھیے, خانہ ذرا ہاتھ دیکھیے گا میرا, خانہ کعبہ ازل ہی سے علی کا گھر ہے. خانہ کعبہ کو سلام, اللہ کا گھر تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے بعد سے اگر ہم نے کچھ سنا ہے تو خانہ کعبہ ازل ہی سے علی کا گھر ہے. اب جو شعری ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے استاد نے کیا ترکیب اس شعر کے اندر کی ہے. جو سمجھے تو میرے ساتھ بولنا, جو نہیں سمجھے میں سمجھوں گا کہ وہ نہیں سمجھے. آپ سمجھے آپ کہیں جی ہاؤ. ماشاء اللہ, خدا آباد رکھے. آپ شعر سنیے گا. میں دیکھیے گھر کی طرح پڑھنے کا عادی ہوں. جب میں دکھ اور ان کے گریے میں ہوتا ہوں تو پھر ہوتا ہوں, اور خوش ہوتا ہوں تو ہوتا ہوں. اس کا نہیں ہے کہ آپ کون اور میں کون. آپ شعر سنیے گا. کیا ہے؟ ہام علی مولا علی ولادت کے بعد ہاتھوں میں آئے. کس کے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم بچوں کو بتا رہا ہوں, ان کو کہتے ہیں حامل وحی الہی. تو کون ہے؟ ہاں گود میں لیا, حامل وحی الہی نے چسائی ہے زبان. حامل وحی الہی نے چسائی ہے زبان. زبان کے ساتھ دل مولا.